हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समरीन गैलरी। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं पंजाबी मेकअप लुक लेकर के आई हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो सबसे पहले अपने बालों को सिक्योर करना है। तो यहाँ पर मैं दो क्लिप लगा लूँगी, इस तरह से टिप टॉप क्लिप लगा लिया। और बहुत ज़्यादा बाल डिस्टर्ब करते हैं यार, बहुत ज़्यादा। और ये क्लिप वही वाला है जो मैं 10 रुपये में पत्ता लेकर के आई थी। उसके बाद मैंने यहाँ वाइप से अपने फेस को क्लीन करूँगी, और वाइप भी मेरा बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर टीवी चल रही थी, तो यहाँ पर मेरी अम्मी टीवी देख रही है, और मेरी अम्मी के साथ मेरी मामी भी है। तो मैंने कहा चलो देखने, तो मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। और मेहंदी तो मतलब छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है यार, इतना डार्क होते जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जॉय का, और ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है मेरे स्किन के लिए। कोई भी पिम्पल्स वगैरह मुझे नहीं, वैसे ना ही नुकसान हुआ, और बहुत अच्छा है। विंटर के लिए तो सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुपर ऑयली कर देता है फेस को। आज मैं जो भी मेकअप करूँगी गाइज, ये स्विस ब्यूटी के ब्रश से ही करूँगी। मैंने दिखाया था आप लोगों को बहुत पहले, तो आपने कहा था रिव्यू देने के लिए, तो काइंड ऑफ रिव्यू ही समझ लो इसका। ये फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है, और यहाँ पर मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन। अब ये 30 आवर्स तक ये मतलब स्टे करता है आपके फेस पे। तो बस एक ड्रॉप मैंने लिया है, डॉटेड करके पहले अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, देन उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। ये अभी वाइट वाइट लग रहा है, थोड़ी देर में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 128 शेड है मेरा, तो फटाफट से इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ऑफ कैमरा मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और नेक पे और अपने कानों पे बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि इवन लगे पूरा स्किन। अब मैं क्रीम कॉन्टोरिंग ले रही हूँ, और ये किस ब्यूटी का शायद है, स्विस ब्यूटी या किस ब्यूटी का ही है कॉन्टोर स्टिक। इसमें दो है, एक कंसीलर एक साइड आता है, एक साइड कॉन्टोर स्टिक आता है। तो अच्छे से कॉन्टोरिंग कर ले रही हूँ मैं। बीच में ना मेरा फेस चबी हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग करती थी, और अभी भी थोड़ा बहुत करती हूँ। तो अगर आपका भी थोड़ा चबी फेस है, तो आप कर सकते हो शार्प दिखाने के लिए अपने फेस को। और देखना आप चीक्स मेरे कितने सही लगेंगे, देखो कट कितना सही आया, थोड़े मतलब घुल जाता है स्किन पे, इतने अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत अच्छा। आप चाहो तो ले सकते हो, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, देख सकते हो। वैसे मैं सारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, उस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। तो यहाँ मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया, और फेस बहुत शार्प भी लग रहा है। अब मैं ये वाला स्पंज ले रही हूँ, स्पंज मतलब पाउडर का ही हो गया, हाँ पाउडर स्पंज बोल सकते हो आप लोग। तो इसके कॉर्नर से अच्छा से आपको जहाँ जहाँ पर आपके क्रीज आती है, या फिर आपका मेकअप केकी होने लगता है जिस एरिया पे, वहाँ वहाँ आपको अच्छे से लगाना है अपने लूज़ पाउडर को। और यहाँ पर मैंने वाइटोन का लूज़ पाउडर लिया था, आप चाहो तो आप कोई सा भी लूज़ पाउडर ले सकते हो। गाइज़, मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे जिनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं जब भी आई मेकअप करूँ तो थोड़ा जूम कर लूँ, इसलिए मैंने थोड़ा जूम कर लिया है। और यहाँ पे मैंने इनसाइड की आईब्रो पेंसिल ली है, एक तरफ स्पूली मिलता है और एक तरफ पेंसिल मिलता है इसको, और इसका कलर डार्क ब्राउन है। अगर आप चाहो तो उसका ग्रे भी ले सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल है शेड इसमें। और ये मैंने नायका से लिया था। तो फटाफट से जितना भी एक्सेस पाउडर है ना, उससे लूज़ पाउडर को डस्ट आउट कर देना है आपको। उसके बाद आप चाहो तो कॉम्पैक्ट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो मैंने हल्का हल्का सा लगा लिया है कॉम्पैक्ट इस पाउडर ब्रश की हेल्प से ब्लश बोल रही हूँ। और यहाँ मैं भूत जैसी लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा था फेस, थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कॉन्टोरिंग ले रही हूँ, कॉन्टोरिंग के लिए वही फाउंडेशन ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्लश क्यों बोल रही हूँ यार मैं, इतना फंबल। तो फाउंडेशन ब्रश अच्छे से यूज़ कर रही हूँ मैं कॉन्टोरिंग के लिए, और यही ब्रश से मैं हल्का हल्का सा ब्लश भी लगा लूँगी। और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ वहाँ लगाइए। अभी ब्लश का थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ब्लश ज़्यादा लगाती हूँ। और मुझे ना लिप चेक टिंट लगाना था, बट मैं भूल गई, इसलिए स्किप कर दिया मैंने फिर। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल सा शेड लिया है ब्राउन कलर का, और यहाँ मैं क्या देख रही थी मुझे खुद भी नहीं पता। तो ये अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, जब तक आपको आपका वो कलर ना मिल जाए जब जो कलर आप चाहते हो, तब तक आप ब्लेंड करिए थोड़ा थोड़ा लेकर के, पाउडर नहीं थोड़ा थोड़ा आई शेडो लेकर के, उसको डस्ट आउट करके एक्सेस जो होता है उसको, देन उसके बाद अप्लाई कीजिए। लोअर लेफ्ट हैंड पे मैंने लगा लिया है। अब मैंने ना ब्लैक कलर का शेड लिया है, थोड़ा सा शिमरी शेड है ये, और इसको मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से ही हल्का हल्का सा अपने पूरे आईलेट पे लगा रही हूँ। आप चाहो तो आप ब्रश से भी लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पर हाथों से ही लगा लिया था, जल्दी हो गया था हाथों से। और उसके बाद मैंने ब्रश से ना अच्छे से ब्लेंड कर दिया था, तो ये ब्लेंडेबल और अच्छा लग रहा था देखने में। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने लाइनर लिया है, और आप लोग बोलते हो बार बार कि आप अपना लाइनर बताइएगा किस तरह से आप लाइनर लगाते हो, तो इसलिए मैंने फिर से वीडियो को जूम कर लिया, ताकि आपको अच्छे से दिखे कि मैं किस तरीके से लाइनर लगाती हूँ। पहले मैं विंग बनाती हूँ, एक लाइन खींचती हूँ, देन उसको उसके बाद फिल करती हूँ उसे, उसके बाद वही लाइन को उल्टी डायरेक्शन में हल्का सा ले करके जाती हूँ। और बहुत ही सिंपल सा मैंने लाइनर लगाया है यहाँ पर, ज़्यादा मतलब मोटा नहीं रखा है, ज़्यादा विंग नहीं निकाला है, एकदम लाइट सा लाइनर रखा है। पता नहीं क्यों मुझे मन था कि मैं लाइट सा ही रखूँ,
आगे से इस तरह से आप लगा सकते हो अपने कॉर्नर्स पे लाइनर को, तो आंखें और ज़्यादा अच्छी लगती है, देख सकते हो। अब गाइस यही मेकअप मैं दूसरी आंखों पे भी कर लूँगी ऑफ कैमरा। तो यहाँ दोनों आंखों पे हो चुका है मेकअप मेरा। अब आपको क्या करना है, अब आपको वही शेड लेना है, ब्राउन वाला शेड, उसको अच्छे से अपने लोअर लैश लाइन पे स्मच करना है इस तरह से। आप चाहो तो आप काजल से भी स्मच कर सकते हो, बट मुझे उतना हेवी लुक नहीं चाहिए था इसलिए। और आज थोड़ा सा लिपस्टिक न्यूड रहेगा हमारा, तो आई लैश कर्लर्स अपने लैशेज को कर्ल कर लिया है मैंने। क्यों इतना पंपल हो रहा है आज मेरा यार। और उसके बाद मैंने मस्कारा लगा लिया, वाइट काजल भी मैंने लगा लिया ऑफ कैमरा। उसके बाद फिर से मैंने लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाया है, लोअर लैशेज पे, लैश लाइन पे नहीं। और अब मैं सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ, और ये सेटिंग स्प्रे HR का है। बहुत लोगों ने पूछा था कि आप कौन सा सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हो, तो मैं हिलारी उडा का यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो स्विस ब्यूटी, किस ब्यूटी, बहुत तरह की आती है, आप यूज़ कर सकते हो। लैक्मे का भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ वहाँ हाईलाइटर लगाइए। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे लगाइए, चिक्स पे लगाइए, ब्रिज ऑफ द नोज पे लगाइए, इनर कॉर्नर पे लगाइए, ब्रॉ बोन्स पे भी लगाइए। इनर कॉर्नर पे शायद मैंने ऑफ कैमरा लगाया था, और कॉलर बोन पे भी लगा सकते हो अगर चाहो तो। अब यहाँ पे मैंने लिप लाइनर ले लिया है, RNC का लिप लाइनर, जो बाहर वाला मेरा पैलेट है ना, पैलेट मतलब मेकअप किट जो बाहर से साउदी उसी किस किट में से गाइज मैंने लिप लाइनर ले लिया है। और उसका ना लिप लाइनर, लाइनर, आईब्रो पेंसिल, ये सब बहुत अच्छा आया था उसमें। आई शेडोज भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बट अभी मैं बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रही हूँ, निकालूंगी कभी। यहाँ पर मैंने वो लिपस्टिक ले लिया जो मैंने संडे मंडे से लिया था 40 रुपीज़ में। किस ब्यूटी नाम लिखा है इसमें, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा है, मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है, बट हाँ 40 रुपीज़ में मिल गया, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। तो देख सकते हो कलर इसका, मतलब बिल्कुल न्यूट सा कलर आया है। और मेरे पास लिपस्टिक बहुत सारे हैं गाइस, महंगे से महंगे भी और सस्ते से सस्ते भी है। आप जैसा बोलोगे उस तरह का मैं यूज़ करके दिखाऊंगी। मैं हमेशा अपने मेकअप में यही दिखाना चाहती हूँ कि मैं अफोर्डेबल चीज़ें यूज़ करती हूँ जो सारे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कुछ ब्रांड का आप लोग चाहोगे कुछ मेकअप मैं लेकर के आऊँ, वन ब्रांड मेकअप लुक, तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी, आप लोग मुझे कमेंट बताना। फटाफट से अब हेयर स्टाइल कर लेते हैं। तो आगे से मैं सागर छोटी बांध रही हूँ, और आप लोग बहुत इजी, आप लोग इजीली बांध सकते हो, देख सकते हो। सबसे पहले आपको सामने से बाल लेना है, देन उसके बाद आपको 3 पार्टीशन में अपने बालों को कर देना। उसके बाद जैसे चोटी कूटते हो ना आप, नॉर्मल सा ब्रेड बनाते हो उस तरह से बनाते रहना है। एक आगे का बाल को लेना है, फिर से बनाना है, फिर उसको एक में जॉइंट करना है, फिर बनाना है। इस तरह से ही आपको करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बहुत ईजी है, मुझे पीछे का भी सागर आता है, आगे का भी आता है। बहुत सारे हेयर स्टाइल आते हैं गाइस, बट मुझे ना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ अलग सा करूँ। बट ये पंजाबी लुक में बहुत ज़्यादा वायरल है, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसा वाला यूज़ करते हैं अपने बालों पे, तो इसलिए मैंने पंजाबी लुक में यही वाला हेयर स्टाइल रखने की कोशिश की। तो अच्छे से ये हो चुका है। अब चाहो तो आप थोड़ा सा इसको उल्टी तरफ से खींच सकते हो, ताकि और ज़्यादा मतलब फूला फूला सा लगे और अच्छा वॉल्यूम है इसमें। मैंने ऑफ़ कैमरा किया था उसे, ऑफ़ कैमरा मैंने दूसरी साइड पर भी अच्छे से गूँथ लिया चोटी को, जिस तरह से गूँथना था। और अच्छे से जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ढीला है, वहाँ वहाँ पर अच्छे से क्लिप लगा लीजिएगा। तो उसके बाद पूरे बालों को पकड़ लीजिएगा, अच्छे से कॉम कीजिएगा, और नॉर्मल सा चोटी गूँथना है आपको, जिस तरह से नॉर्मल ब्रेड आप बनाते हो उस तरह से ही आपको बनाना है। कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें, नॉर्मल सा ब्रेड ही रहेगा। और गाइस ये ड्रेस मेरे बहुत पहले की है, 3 साल पहले की होगी, फिर भी मैं इसमें एकदम परफेक्ट फिट आ रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं मोटी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत हेल्दी हुई हूँ, बट ऐसा नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है परांदा, और अच्छे से आपको परांदा लगा लेना। मेरे बाल ना थोड़े लंबे, इसलिए मैंने बहुत ऊपर से परांदा नहीं लगाया, नीचे से थोड़ा लगाया, क्योंकि परांदे की लेंथ ज़्यादा होती नहीं है इसलिए। तो यहाँ मेरा परांदा डन हो चुका है। अब मैं इसमें रबर बैंड लगा लूँगी ताकि ये खुले ना। फटाफट से फिर ज्वेलरी पहन लेना है। आप लोग बताना कि ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी पंजाबी मेकअप लुक की, मैंने तो थोड़ा स्किप कर देते कि चलो छोड़ो नहीं बनाऊंगी, बट 2-3 कमेंट बहुत ज़्यादा आने लगे, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। और बाकी ना इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, घर पर काम चल रहा है। तो ये मेरा फाइनल लुक। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever.
तो गाइज़ मेरा ओवरऑल जो लुक है वो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना। बाय।